Hello everyone, I hope you are doing well. Myself Achil. Today we are discussing about the important MCQs on food safety. आज हम बात करने वाले हैं food safety के बारे में. Okay, so let's start with our lecture. So food safety पे MCQs बात करने से पहले हम बात करते हैं कि food safety होती क्या है. तो देखिए, चाहे हम कोई भी खाना मार्केट से लेकर के आए, चाहे मार्केट में खाने का मतलब क्या हुआ, कोई हमारी वेजिटेबल है, कोई भी हमारा फ्रूट है, या फिर हमारा कुक्ड फूड है, जो भी हम कुक फूड लेकर के आते हैं मार्केट से वो है, या फिर कोई भी खाना जो हमने घर पे बनाया हुआ होम कुक फूड हमारा जैसे हो गया, ठीक है, उन दोनों ही फूड्स में कंटेमिनेशन के चांसेस इक्वल है. क्यों कंटेमिनेशन के चांसेस इक्वल है? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में कितने तरह के माइक्रोब्स प्रेजेंट है और किस टाइम पे आप खाने को प्रिपेयर कर रहे हो, किस सराउंडिंग में प्रिपेयर कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खाना स्पॉइल्ड है, आपका खाना कंटेमिनेट है या फिर नहीं है. हमारे को खाने को प्रिपेयर करने से पहले कुछ इजी स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करने चाहिए. सबसे पहले कौन से स्टेप्स होते हैं? कीप क्लीन. कीप क्लीन का मतलब क्या हुआ? आप जब भी खाना बना रहे हो उससे पहले आपकी जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, जितने भी यूटेंसिल्स हैं, आपका गैस स्टोव है, उन सबको आपको क्लीन करके यूज करना है. क्योंकि आपका गैस स्टोव आपके किचन एरिया में मौजूद है जहाँ पर कहीं ना कहीं से सनलाइट इंटर कर रही है. अगर कहीं से सनलाइट भी इंटर कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां से माइक्रोब्स भी इंटर कर सकते हैं आपके किचन एरिया में, जो कि आपके खाने को स्पॉइल कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? सेपरेट रॉ एंड कुक्ड फूड. कच्चे खाने को और पक्के खाने को, जो बना हुआ खाना है और जो कच्चे खाने हैं, उन दोनों को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए. और कुक थॉरली मतलब किसी हर खाने को प्रिपेयर करने के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो हर खाने को कुछ उस मिनिमम टेम्परेचर पे आपको कुक करना है ताकि उसके अंदर प्रेजेंट जो भी आपके माइक्रोब्स हैं उन वो किल हो जाए. कोई अगर एंजाइम्स प्रेजेंट है वो डिनेचर हो जाए. जैसे हम मिल्क की बात करते हैं, उसको पेस्चराइज किया जाता है. क्यों किया जाता है? ताकि उसके अंदर जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट है वो डिनेचर हो जाए, वो हमारे रॉ मिल्क हमारे जो दूध में प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दे. ओके, देन हम बात करते हैं खाना बनाते टाइम हमारे पास क्या होना चाहिए. सी वाटर होना चाहिए, क्योंकि वाटर हमारे खाने के प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ ये स्पॉइलेज भी कॉज कर सकता है अगर आपका वाटर कंटेमिनेट है. ओके, देन अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में. ठीक है, विच फूड इज associated with the most cases of foodborne illness due to salmonellosis. What is that? Salmonellosis. Okay. So the option is raw chicken. Second one is raw eggs. Third one is raw vegetables. And the fourth one is none of the above. यू कैन ट्राई इट बाई योर सेल्फ. आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश कर सकते हो. सो द करेक्ट आंसर इज रॉ एग्स. जो हमारा सेल्मोनेलासिस होता है ये एक तरह का क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, विच इज यूजली कॉज्ड बाई ईटिंग रॉ और अंडर कुक मीट. अंडर कुक मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो मीट है उसको हमने कुछ कम टेम्परेचर पे कुक किया, जिसकी वजह से उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स जो भी एंजाइम प्रेजेंट थे वो डिनेचर नहीं हो पाए और जिसकी वजह से वो हमारे लिए एक इन्फेक्शन कॉज कर रहा है. ओके, अगर हम बात करें एग्स की जो प्रोडक्ट्स होता है, या फिर ड्रिंकिंग अनपेस्चराइज मिल्क जो हमारे रॉ मिल्क होते हैं, उनके इनटेक की वजह से हमें सेल्मोनेलासिस का इन्फेक्शन हो सकता है. इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज डायरिया, सेकेंड वन इज स्टमक पेन, थर्ड वन इज फीवर, एंड द फोर्थ वन इज नोजिया, वॉमिटिंग, चिल्स, हेडेक, ब्लड इन दिस टू, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स. ओके,
सलमोनेला क्या होता है? ये बेसिकली आपकी जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं उनमें बहुत ही कॉमन डिजीज हो जाते हैं सलमोनेला। ओके, पर ईयर इंडिया में अराउंड 1 मिलियन केसेस आते हैं सलमोनेला के। सलमोनेला और टाइफाइड, सलमोनेला के जो फीवर्स होते हैं ना वो टाइफाइड के थोड़ा सा सिमिलर हम बात करते हैं कि सलमोनेला जो इन्फेक्शन होता है कुछ सिमिलरली जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो हमारे टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है उससे भी थोड़ा सा सिमिलर मेंशन होते हैं। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर ग्राउंड बीफ, व्हाट इज ग्राउंड बीफ, बात करते हैं ग्राउंड बीफ होता क्या है। ग्राउंड बीफ शुड बी कुक्ड टू इन ऑर्डर टू एश्योर सेफ्टी। सो द ऑप्शन इज 155 डिग्री, सेकेंड वन इज 160 डिग्री, थर्ड वन इज 160 डिग्री फॉरेनहाइट एंड द फोर्थ वन इज none of the above. So the correct answer is 160 degree Fahrenheit. हमें ग्राउंड बीफ को कुक करने के लिए 160 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर देना पड़ता है। सो अब हम बात करते हैं कि ग्राउंड बीफ होता क्या है। ग्राउंड बीफ के बीफ क्या होता है कि देखिए ग्राउंड बीफ कैन बी मेड by grinding a whole muscle such as chunk, roast. I think जो non vegetarians होंगे they can know what is ground beef. I don't know what is ground beef but I think it was a right thing that it is made by grinding a whole muscles like a chunk fruit. Okay, there are three important temperatures to remember when cooking meat or eggs at home. It is most important point. आपको remember रखना होगा कि आप जब भी अपने घर पे meat बना रहे हो या फिर कोई भी eggs consume कर रहे हो उसे cook कर रहे हो तो उस time पे आपको particularly किस temperature का ध्यान रखना है। इसके लिए आप thermometer भी use कर सकते हो। It's okay. Okay. Then eggs are all ground meats and must be cooked to 160 degree Fahrenheit. कोई भी हमारा egg है, ground meat है, ये किस पे cook होना चाहिए? 160 degree Fahrenheit पे. Then अगर हम बात करें poultry and fowl की, वो किस पे cook होना चाहिए? 165 degree Fahrenheit पे. और अगर हम बात करें meat steaks की, chops की या फिर roast की, तो वो किस पे cook होना चाहिए? 145 degree Fahrenheit पे. Use a thermometer to check temperatures because we always ensure that our food is always cooked rightly and it is free from any sort of contaminant. किसी भी तरह का contaminant उसमें present नहीं होना चाहिए. Okay. Then our next question is, when sanitizing dishcloths or cutting boards at home using chlorine bleach. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम अपने घर में किसी भी चीज़ का डिश क्लोथ्स को साफ करते हैं या फिर कटिंग बोर्ड को साफ करते हैं उस टाइम पे हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच ब्लीच शुड बी एडेड पर क्वार्ट ऑफ वाटर, कि पर क्वार्टर ऑफ वाटर में हमें कितना ब्लीच यूज़ करना चाहिए। सो द ऑप्शन इज 1 टीस्पून, सेकेंड वन इज हाफ कप, थर्ड वन इज हाफ क्वार्टर एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमें क्लोरीन यूज करना चाहिए टू डायल्यूट करने की। सबसे पहले तो उसे हमें डायल्यूट करना होता है। डायल्यूट किसमें करेंगे आप? 1 टेबल स्पून कैसे डायल्यूट कर सकते हो? यूज अ डायल्यूट क्लोरीन ब्लीच सॉल्यूशन 1 टेबल स्पून पर गैलन ऑफ कूल वाटर। बी श्योर टू राइज इट वेल विथ वार्म वाटर। जब एक बार आप क्लोरीन ब्लीच का यूज करते हो पहले तो उसे क्लीन करना होता है। जब क्लोरीन ब्लीच का हम यूज करते हैं सबसे पहले हम जब भी कटिंग बोर्ड्स को उसको साफ कर लेते हैं उसके बाद हमें उसे वार्म वाटर से भी वॉश करना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो क्लोरीन के पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो भी रिमूव हो जाएं। वॉश द बोर्ड बाय हैंड आफ्टर एवरी सिंगल यूज। जितनी बार भी आप अपनी कबर्ड कुकिंग बोर्ड को यूज कर रहे हो कटिंग बोर्ड को यूज कर रहे हो उतनी बार अगर आपको वॉश करना है बार बार तो आप क्लोरीन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी चीज को ब्लीच का यूज करना हार्मफुल भी हो सकता है हमारे लिए। रिमेंबर दैट
कि हर टाइम पे आप क्लोरीन सॉल्यूशन का यूज नहीं करोगे किसी भी यूटेंसिल को साफ करने के लिए, किसी क्लॉथ को साफ करने के लिए। नॉर्मली भी आप गर्म पानी से वॉश कर सकते हो, आप डिश वॉशर यूज कर सकते हो, डिश के सोप जो आते हैं वो यूज कर सकते हो। ओके, अगर आप सिंगली आप जैसे कि आप रोज के टाइम में यूज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, डिश सोप से वॉश वॉश कर लो, या फिर बोथ साइड आप उसको क्लीन करो, फिर रेंस करो, फिर ड्राई करो। अगर आप क्या करना चाहते हो, आपको किसी भी चीज़ से माइक्रोब्स हटाने हैं, तो सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या होता है कि आप उसे गर्म पानी से वॉश कर लो, देन प्लेस इट इन अ सनलाइट। सनलाइट हमारा नेचुरल माइक्रोब क्लियर भी होता है, आराम से वहाँ पर सारे के सारे जितने माइक्रोब्स उसे प्रेजेंट हैं वो मर जाएंगे, और कुछ माइक्रोब्स आ भी सकते हैं क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में आप अगर आप रख रहे हो तो सराउंडिंग में तो माइक्रोब्स प्रेजेंट ही है, तो वो भी आपके चॉपिंग बोर्ड पे आ भी सकते हैं। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच हॉट फूड्स ऑन अ बुफे शुड बी मेंटेन। आप बुफे में गए होंगे, वहां पर जो हमारे फूड सर्व होते हैं वो हॉट होते हैं। क्यों हॉट होते हैं, किस मिनिमम टेम्परेचर पे उसे रखा जाता है ताकि वो हमारे फूड गर्म रहे। सो द ऑप्शन इज 212 डिग्री फॉरेनहाइट, 180 डिग्री फॉरेनहाइट, 140 डिग्री फॉरेनहाइट, एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज 140 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, हॉट फूड को सर्व करने के लिए भी एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहां पर आप फूड को सर्व कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप फूड को हॉट कर रहे हो या फिर उस फूड को वार्मली सर्व कर रहे हो तो देयर वाज अ पर्टिकुलर रेगुलेशन अबाउट इट। ओके, सो एज रिटन हियर, हॉट फूड शुड बी हेल्ड एट 140 डिग्री फॉरेनहाइट और वार्मर। हॉट फूड्स को 140 डिग्री पर हम सर्व करते हैं। ऑन अ बुफे टेबल कीप हॉट फूड्स हॉट एंड विथ शेफिंग डिश, स्लो कुकर्स एंड वार्मिंग पिस का यूज किया जाता है बुफे टेबल पे हमारे फूड को गर्म रखने के लिए। ओके, व्हेन यू डिस्प्ले हॉट फूड 140 डिग्री फॉरेनहाइट एग्जांपल ऑन अ बुफे, यू शुड यूज सूटेबल होल्डिंग इक्विपमेंट टू कीप इट अबव। अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हो या फिर 140 डिग्री पर भी अगर आपने अपने बुफे पे खाना लगा के रखा हुआ है, उस टाइम पे भी आपके पास पर्टिकुलर इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि आप अपने फूड को जब सर्व कर रहे हो। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, यू कैन टेक फूड आउट ऑफ हॉट होल्डिंग टू डिस्प्ले इट फॉर अप टू 2 आवर्स, बट यू कैन डू ओनली डू दिस वंस। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following bacteria are responsible for causing the greatest number of foodborne illness? अगर हम बात करें इसकी तो options क्या क्या है, Salmonella, second one is Campylobacter, third one is E. coli and the fourth one is none of these. Salmonella, Campylobacter, E. coli, तीन के तीनों ऐसी ऐसे bacteria हैं जो कि disease cause करते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब foodborne illness में इन लोगों का role बहुत ही specific है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा illness cause करते हैं। बट अगर हम इन तीनों में से बात करें कि सबसे ज्यादा फूड बॉर्न इलनेस कौन कॉज करता है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या आएगा, कैंपाइलोबैक्टर। यूएस की जो हमारी यूएस ने हमें सजेस्ट किया हुआ है कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो फैटल डिजीज हमारे लिए फूड बॉर्न इलनेस में कॉज कर रहा है वो हमारा कैंपाइलोबैक्टर है। कैंपाइलोबैक्टर इज अ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड बॉर्न इलनेस इन द यूएस। Most cause of foodborne illness caused by Campylobacter are sporadic and not a part of outbreaks. ये outbreaks का part नहीं है, sporadic मतलब कि कुछ लोगों को फैल जाता है in the form of spores, okay? But ये नहीं है कि एकदम से फैल गया है, control नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। Campylobacter को भी हम control कर सकते हैं, Salmonella को भी हम control कर सकते हैं, और E. coli को भी जो intestinal gastrointestinal disease cause करके उसको भी हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। फूड बॉर्न इलनेस में मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर माइक्रोब की वजह से, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई भी डिसफंक्शनिंग डिसकंफर्ट कॉज हो रहा है तो उसको किसी भी तरीके से हमारी बॉडी से रिमूव करना, इन द फॉर्म ऑफ डायरिया, इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन, वट एवर द टाइप दे कैन यूज दे, आवर बॉडी इज सच अ सस्टेनेबल बॉडी that can remove any sort of harmful things from our body easily by changing their physique, like by they changing their vomiting, by constipation, by any sort of things. Okay,
देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू प्रॉपरली वॉश योर हैंड्स बिफोर और आफ्टर हैंडलिंग फूड एग्जैक्टली व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम यू शुड वॉश योर हैंड्स अंडर रनिंग वाटर। आज के टाइम में अगर आप देखोगे कुछ क्वेश्चन पेपर उठा करके जहाँ पर केस स्टडीज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट द केस स्टडी क्वेश्चन। फूड सेफ्टी में हमें पता है कि फूड सेफ्टी किस तरीके से करनी है, हमें पता है कि फूड को किस तरीके से कुक करना है, कितने टेम्परेचर का यूज करना है, ये सब चीजें हम जनरली याद कर लेते हैं। पर अगर हमसे इस तरीके का केस वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको हाथ को तो धुलना है, हम सबको पता है, पर रनिंग वाटर में कितने टाइम तक यूज करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन केस इन माय नॉलेज। सो जस्ट प्रैक्टिस अबाउट इट। ओके, सो द ऑप्शन इज 10 सेकंड, सेकंड वन इज 20 सेकंड, थर्ड वन इज 1 मिनट एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज 20 सेकंड। साइंटिफिक स्टडीज में ये शो किया गया है कि यू नीड टू स्क्रब फॉर 20 सेकंड्स टू रिमूव हार्मफुल जर्म्स एंड केमिकल्स फ्रॉम योर हैंड्स। Now, we all know कि जब भी हम अपने हैंड को स्क्रब करते हैं तो कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ऑल एरियाज ऑफ योर हैंड्स इंक्लूडिंग योर पाम्स, बैक ऑफ योर हैंड्स, बिटवीन योर फिंगर्स एंड अंडर योर फिंगर नेल्स। इन सब पार्ट को हमें अच्छे से स्क्रब करना चाहिए ताकि जो भी माइक्रोब्स हमारे, माइक्रोब्स का तो हमें स्ट्रक्चर पता नहीं है, तो वो माइक्रोब्स कहीं पर प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं पर भी वो हमारे लिए जो हमारे जर्म्स होते हैं वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको हमें रिमूव करना है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स लाइक अ सोप्स। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टेम्परेचर शुड योर रेफ्रिजरेटर बी मेंटेन्ड। रेफ्रिजरेटर को किस टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है, तो द ऑप्शन इज 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकंड वन इज 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड वन इज 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हमारा US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है लाइक FDA रिकमेंड्स दैट यू कीप योर रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर एट और बिलो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड योर फ्रीजर टेम्परेचर एट और बिलो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस वजह से 0 डिग्री माइनस में जाएगा, अगर 0 डिग्री से नीचे हमें रखने को बोला गया है तो हमारा टेम्परेचर शुड बी -7, -8, -9 और माइनस। ओके, हाउएवर The ideal refrigerator temperature is actually lower temperatures above 35 degree to 38 degree Fahrenheit and maybe too high. लेकिन अगर हमें अपने फूड को स्पॉयल होने से बचाना है, किसी बैक्टीरिया से बचाना है, तो उस टाइम पे हमें अपने फूड को किस पे रखना होगा, 40 degree Fahrenheit पे। Okay, for stomach trouble with bacteria such as salmonella and E. coli. Okay, then our next question is Which of the following groups of people have a higher than normal chance of contracting a case of food poisoning? So the option is very young children, second is pregnant women, third one is the elderly and the fourth one is person with compromised with immune system. हमारी body में तभी कोई microbe enter करके हमारी immune system को खराब कर सकता है, और उन लोगों को बहुत जिनका immune system बहुत ज़्यादा weak रहता है उनके ऊपर फूड पॉइजनिंग का खतरा भी ज्यादा होता है। फूड पॉइजनिंग ही नहीं, अगर कोई वैसी भी डिजीज उनको हो जाती है, इन्फेक्शन डिजीज भी, उस टाइम पे भी उनको खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है ना वो ही वीक है। अगर प्रोटेक्टिव सिस्टम ही वीक है तो हम किसी भी दूसरी एलर्जन से लड़ नहीं पाएंगे। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चाहे हम बात करें प्रेगनेंट वुमेन की, चाहे यंग चिल्ड्रंस की, चाहे एल्डर्स की, हमारे Those with a chronic illness are more at risk of food poisoning. Take care when preparing, storing and serving food, especially high risk food. जैसे कि हमारे meats हो गए, raw meats हो गए, egg हो गया, fish हो गया, इन सब पे हमें बहुत ज़्यादा careful रहना पड़ता है। अगर हम बात करें is commonly yet preventable, क्योंकि my food poisoning जो भी है वो preventable है, but हमारी health को खराब करेगा, ठीक है। पब्लिक ईच ईयर अबाउट 1 in 6 Americans or 48 million people get sick and 1,28,000 are hospitalized and 3,000 died due to foodborne disease. अभी हमने कहा फूड पॉइजनिंग प्रिवेंटेबल है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, उससे हम बचा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इससे डेथ भी हो जाती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। ओके, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following signs indicates that food has been contaminated by dangerous bacteria such as E. coli or Salmonella? So the option is
बैड स्मेल, थर्ड सेकंड वन इज डिस्कलरेशन, थर्ड वन इज ऑफ स्टेट एंड द फोर्थ वन इज डी स्लाइमी सरफेस एंड द फोर्थ लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव आर द आंसर। सो अगर हम बात करें कि ई कोलाई का हमने जब बात करी थी कि उसके जो सिम्टम्स होते हैं और वो होता किसकी वजह से है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि हमारे जो रॉ एग्स होते हैं, जो रॉ मीट होता है, अंडर कुक्ड मीट जो हमारा होता है, उसकी वजह से ज्यादा हमें सेल्मोनेला का इन्फेक्शन होता है। ओके, सो जो हमारे अंडर कुक्ड ग्राउंड बीफ होते हैं इज अ कॉमन सोर्स ऑफ ई कोलाई। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं रॉ प्रोड्यूस कंटेमिनेट वाटर हैव बीन सम आउटब्रेक्स, लेकिन अगर हम बात करते हैं ये सारे बैड स्मेल डिस्कलरेशन ये सब हमारे साइंस नहीं होते हैं, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हमारे डायरिया होता है, ब्लडी फीवर, स्टमक क्रैम, ब्लडी स्टूल होता है, फीवर हो सकता है, स्टमक क्रैम्स हो सकता है विद इन 4 to 7 days विदाउट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, बट सम पीपल विद सब डायरिया मे बी हॉस्पिटलाइज और टेक एंटीबायोटिक्स। सेल्मोनेला के टाइम पे भी हमें कुछ एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ सकती है, और क्योंकि डायरिया एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है उस टाइम पे। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द मिनिमम टेम्परेचर टू विच ग्राउंड बीफ शुड बी कुक्ड, मेक श्योर इट इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। सो द ऑप्शन इज 220 degrees, सेकेंड वन इज 140 degrees, थर्ड वन इज 165 degrees एंड द फोर्थ वन इज 160 degrees फॉरेनहाइट। सो द करेक्ट आंसर इज 160 degrees फॉरेनहाइट। FDA जो है हमारा, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि रेस्टोरेंट शुड कुक ग्राउंड बीफ एट 155 degrees Celsius फॉरेनहाइट फॉर 15 seconds, बट CDC एंड USDA ने सजेस्ट किया है कि कंज्यूमर को जो हमारा ग्राउंड बीफ होता है वो 160 degrees फॉरेनहाइट होना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं 150 degrees फॉरेनहाइट से लेकर के 160 degrees फॉरेनहाइट में कभी भी आपको ऑप्शन मिलता है ग्राउंड बीफ को कुक करने का, तो यू शुड सेलेक्ट बिटवीन दिस। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपको ग्राउंड बीफ को किस टेम्परेचर रेंज में कुक करना है, तो हमें क्या चूज करना होगा, 150 से लेके 160 के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा, दैट वॉज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, एंड बी श्योर टू चेक द थर्मामीटर एज कलर अलोन इज नॉट अ फुल प्रूफ इंडिकेटर। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सब्जी को देख करके समझ जाते हैं कि हाँ वो पकी है कि नहीं पकी है, मीट को भी देख के समझ जाते हैं कि वो मीट कुक्ड है कि अनकुक्ड है, टेम्परेचर का यूज करने टाइम थर्मामीटर चेक करना चाहिए, ना कि फूड प्रोफाइल इंडिकेटर्स का। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, एंड आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करे हैं और कुछ केस वाले MCQs भी डिस्कस करे हैं जो कि आजकल के एग्जाम्स के ट्रेंड में भी है। ओके, अगर आपको इन सब MCQs में से किसी में भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड